सीतारमन ने जब रोड मैप डिक्लेयर किया था नेशनल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का, तो हमने एक्सक्लूसिवली वो रोड मैप को एक्सेस किया और हम उसमें से डिटेल्स एक्सक्लूसिवली निकाल के लाए हैं कि जो रेलवेज है उसमें 1,52,000 करोड़ का मॉडर्नाइजेशन प्लान इनफैक्ट प्लान किया गया है। 400 रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन प्लान है। इस साल जो है 44 रेलवे स्टेशन मॉडर्नाइज किए जाएंगे और अगले 3 सालों तक 120 120 120 मतलब 360 रेलवे स्टेशन अगले 3 सालों में मॉडर्नाइज किए जाएंगे। अभी अच्छी खबर इरकॉन के लिए क्यों है सर, क्योंकि जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा वो किया जाएगा इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा। अब ये जो जेबी है ये आरएलडीए और इरकॉन की जेबी है आईआरएसटीसी, जिसका मतलब ये रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इन दोनों की जेबी की वजह से ये आईआरएसटीसी अपना मॉडर्नाइजेशन करेगी, तो जिसके चलते काफी अच्छी खबर इरकॉन के लिए भी है रहने वाली। इनफैक्ट आईआरसीटीसी के लिए खबर इसलिए अच्छी क्योंकि 90 पैसेंजर ट्रेन का मॉडर्नाइजेशन प्लान है और 1400 किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स का भी मॉडर्नाइजेशन प्लान है। तो डेफिनेटली अगर मॉडर्नाइजेशन प्लान करेंगे तो उसकी जो डायरेक्ट कंपनी डील करती है इन सब चीजों के बारे में वो ऑफकोर्स आईआरसीटीसी है, जो बहुत फायदे में रहने वाली है। और जो रेलवे के शेक गुड्स होते हैं जिसमें काफी मेंटेनेंस अपॉर्चुनिटी एंड ट्रैक्शन सर्विसेज करी जाती है, उस 265 गुड्स शेड का मॉडर्नाइजेशन प्लान है। तो आने वाले समय में 3 से 4 सालों में रेलवे में 1,52,000 करोड़ रुपए का एक मॉडर्नाइजेशन प्लान तैयार है जिसका